देखिए कुंडली के अनुसार तो इन दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं, संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। जितना जल्दी हो सके शादी का मुहूर्त निकलवा ही लीजिए। ऐसी बात है तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सके हम ये शादी कर देंगे। जैसा मैंने पहले कहा था, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। आप एक बार बामा से पूछ ले तो। बामा? 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 श्रीशांत, यही नाम है ना तुम्हारा? श्रीकांत। आई थिंक यू आर अमेजिंग। जरा हटिए तो अंकल। सो श्रीकांत, श्रीकांत, डजंट मैटर, हमारी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एक अच्छी लाइफ पार्टनर बनके दिखाऊंगी। तुम्हारी फैमिली सो लवली, आंटी भी काफी अच्छी दिखती है, एंड आवर किड्स, आई एम श्योर दे विल बी अमेजिंग। आई मीन जस्ट लुक एट अस, एक्चुअली जस्ट लुक एट मी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? देयर इज द प्रॉब्लम। वन सेकेंड। हाँ, तो क्या हुआ? अब तो आ गया ना? कैच इट। मैं रामप्रसाद जी का बेटा रुद्र रामचंद, ऑल्सो बामा का बॉयफ्रेंड हूँ। जरा उठिए, उठिए। तो क्या मतलब? बामा मेरी होने वाली बीवी है, अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो मुझे मारना होगा। अबे खड़े होने को बोला तुझे? रुद्र स्टॉप इट, क्या हो रहा है ये? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कब बोला था कि मैं जरूर आऊंगा? और मैं आपका ही काम कर रहा हूँ सर। और जरा सोच कर देखिए, कल कोई बामा को परेशान करेगा तो क्या ये उसकी रक्षा कर पाएगा? ओए, I can take care of myself। अरे बामा, ये बात तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अपने दामाद जी, नाम क्या बताया? श्रीशांत, श्रीकांत। श्रीकांत, तुझे अच्छे से रखेगा या नहीं ये जानना जरूर। क्या है सर ये? आपने हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? आप हमें इस तरह से बदनाम क्यों कर रहे हैं? थोड़ी सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? रुद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या सर, 5 सेकंड में बेहोश हो गया। सर अगली बार ऐसी गलती मत करना, मतलब कोई स्ट्रांग लड़का लेकर आइए मेरी तरह। बामा, मैं आ गई, ये। डोंट वरी आंटी, 2 बजे से पहले ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, कल सुबह 8 बजे। पहले इसे मिलिट्री एकेडमी से बाहर होना होगा, फिर इस पर चार्जशीट दाखिल होगा। इसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसे जेल की हवा खिलाऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर। सर, मैंने और मेरी पत्नी ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, ये सब उसके फ्यूचर और रिकॉर्ड को खराब कर देंगे। हमने उसे बहुत समझाया, अब ये कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो इसे मार मार कर समझाए। एंड वी ऑल नो रुद्र इज ए मेरिटोरियस कैरेक्टर, लेकिन इस मामले में इफ यू स्टिल थिंक एक्सपल्शन is all that is left, go ahead। ये स्कूल में पढ़ने वाला लड़का नहीं है, बहुत बदतमीज है, इसे तो बांध कर मारना पड़ेगा। जुबान पर लगाम दीजिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारी गलती मेरे बेटे की ही है। अपनी बेटी पर कंट्रोल नहीं है आपको? मेरे बेटे के ऊपर चार्जशीट लगा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप जरा न्याय धर्म की बात मत करिए तो बेहतर होगा। एक ब्रिगेडियर के घर में घुसकर धमकी देना कितना बड़ा जुर्म है पता है? मैं कुछ सोच कर चुप बैठा हूँ। अगर आप लोग अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मुझे करना आता है। आप मुझे कंट्रोल में लाएंगे सर तो मैं घर जमाई बन के आपके घर पे आऊं? चुप कर, तेरी जुबान ही तेरी दुश्मन है। तुम शांत रहो। रुद्रा, तुम जरा अंदर जाओ। मैं क्यों अंदर जाऊं? ए, तुम कहां जा रही हो? चलो यहां बैठो। See what I'm dealing with. I want him expelled immediately. Let's not make it official. I'll give him a warning. ऐसे वार्निंग का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, पर एक बात सुन लीजिए, ये लड़का अब उसकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। Let's hope so. सोच रहा हूँ कि सिविलियन बनकर जीऊँ। सिविलियन? वो क्यों?
मेरा ये आर्मी ऑफिसर बनना तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है। वो आर्मी ऑफिसर को पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। In any case, I'm not going to marry a civilian. अगर मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर या बनिया की दुकान पर काम करने वाला होता तो वो हमारी शादी करेंगे? तुम चाहे धोबी हो या ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या बार ओनर, तुम चाहे जो भी करोगे मैं तुम्हें ही पसंद करूंगी। I'll still love you. तुम्हारे पापा कह रहे थे तुम कहीं बाहर जा रही हो। को दिखाई नहीं देता, इसी बात का कंफ्यूजन हो रहा है। चलो उसे चलकर पूछ लेते हैं एक बार। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको डिस्टर्ब किया इसलिए सॉरी। मैं आपसे मैटर मछली पकड़ना मसाला डोसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लूजर संजय की गर्लफ्रेंड है ना? मैंने खुद ही अपनी आंखों से। अरे अब तू क्या बोलने वाला है? एक साथ घूमते फिरते इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मुझे संजय पसंद है। मुझे नेल्सन से कोई लगाव नहीं। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती थी, वक्त बिताती थी। इस सब के पीछे बस एक ही रीजन था। ये सब इसलिए करती थी ताकि उसके बारे में जान सकूं। तेरा मतलब तो वो कौन है? तुम ही हो। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उसके साथ दोस्ती की थी। अब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूँ। सब कुछ जानने के बाद तुम और अच्छे लगने लगे हो। एनीवेज हमारी पहली मुलाकात इस तरह होगी मैंने सोचा नहीं था। भले ही मैं अंधी हूँ लेकिन मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि तुम अब शर्मा रहे हो। ठीक कह रही है, ये शर्मा रहा है। सॉरी यार। नेल्सन तुम यहाँ हो क्या? हाँ वो यहीं पे है। चलो यार। I'm very sorry, नेल्सन। और दूसरा संजू वो अब भी यहाँ पे खड़ा है। वेरी सॉरी। हाँ वैसे रिहर्सल के लिए मुझे देर हो रही है तो अब तुम लोग अब जा सकते हो। बाय शेखर, हम बाद में मिलते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर की तरह जब लंबी लंबी बातें छोड़ रहा था ना तभी मुझे शक हो गया था। बाय शेखर, बाद में मिलते हैं। बाय नेल्सन, हम बाद में मिलेंगे। ये लड़कियां भी ना। इधर हट यार। ए इधर देख, तू टेंशन में क्यों है?
तुझे पता नहीं क्या, लड़कियों से प्यार करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो नहीं करेगा तो हालत इसकी जैसी हो जाएगी। पहले नंबर निकाल, फिर व्हाट्सएप पर चैट कर। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी दुनिया में कोई लड़की ही नहीं है, ये सब बोलेगा तब जाकर वो ओके बोलेगी। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, वो लड़की इससे प्यार कर बैठी। अटेंशन क्यों ले रहा है? माना कि आज वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ, जैसे कल उससे वो प्यार करना शुरू कर देगी। बात करता है, अगर इसको ओके नहीं है तो मुझे भी ओके नहीं है। देख इसको जरा देख, ये है मेरा पक्का दोस्त, इसको बोलते हैं दोस्ती। तुझे वो सच में पसंद है क्या? अगर पसंद है तो गो अहेड। उसने ना बोला तो मुझे दूसरी नहीं मिलेगी क्या? वाओ, व्हाट अ फ्रेंडशिप। यू श्योर? इससे तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना? मैंने जो कह दिया फाइनल है, डिस्कशन ओवर। अरे दोस्त, तेरा तो जवाब नहीं। हे राधिका, राधिका, हे मुझे परमिशन मिल चुकी है। शेखर, कैसी परमिशन? अरे नेल्सन ने परमिशन दे दी है। नेल्सन ने? हाँ, कहीं मैंने उसे हर्ट कर दिया ये सोचकर डर रहा था, लेकिन अब उसने परमिशन दे दी। परमिशन देने वाला वो कौन है? वो मेरा बाप है क्या? बाप? वो थोड़ा मुझे पसंद है ये कहने पर मुझ पर हक जताएगा क्या? हे तो क्या जोक मार रही हो? कल सबके सामने बोल रही थी कि मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? किसने गुस्सा किया? हाय, जो हुआ मैंने बता दिया। ठीक है, अब मुझसे मिलने क्यों आए हो? इससे पहले मुझे कोई भी लड़की ने पसंद नहीं किया था, इसलिए आई गॉट क्यूरियस। क्यूरियोसिटी ओवर, अब तुम जा सकते हो। मैं एक बात पूछूं, तुम्हारे लिए तो सब कुछ एक ही है ना? ठीक से कुछ देख भी नहीं सकती हो ना? नेल्सन हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है, बोलो ना। शेखर, चाहे कोई भी चीज हो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता ही है, जानते हो ना? चाहे तुम कितना भी हक लाकर बात करो, मुंह से ही बात करते हो, तुम जो भी कहना चाहते हो कम से कम पूरा तो कह सकते हो। जब पहली बार मैंने तुम्हारी बात सुनी थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं तुम्हारी बातें चुपके चुपके सुना करती थी, पता है तुम्हें? लगता है मैंने ही गलती कर दी, मेरी कमी को मैंने कभी महसूस नहीं किया। और अगर मेरा अंधा होना ही तुम्हें मुझसे दूर रख रहा है तो तुम मुझे अभी बता दो। ये क्या किया तुमने? ऐसे मैं सॉरी बोलता हूँ। I'm sorry too. तुम क्यों? राधिका, राधिका, शादी करने में इतनी जल्दी क्यों है? सिर्फ शादी ही थोड़ी ना करनी है, लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है ना। राधिका, अपने फ्यूचर के बारे में जरा सोच कर देखो, और जब शादी करनी ही है तो इसके साथ कैसे जिंदगी बिता पाओगी? सुनो, मैं देख लूंगा, आगे से हम ऐसे ही नहीं रह सकते हैं। ऐसे नहीं रह सकते हैं, इस बात का मतलब क्या है? वो सब छोड़ो, पहले पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद ये सब सोचना। सुनिए, शादी तो करवाने वाले हैं ना, तो अभी शादी करवा दीजिए। हे, मैंने कहा था ना बीच में मत बोला करो। कुछ भी हो, मैं इस निकम्मे के साथ इसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। हाँ, तो हम लोग भी आपके घर से संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। मैंने बुलाया था कि आप लोगों को यहाँ पर। Don't raise your voice. मतलब क्या? Don't raise your voice बोल रही है? सच इतनी देर से मैं आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ और आप लोग हैं कि
जबरदस्ती मेरे साथ गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। मेंटेन योर डिसेंसी। अभी तक डिसेंटली बात कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे मजबूर मत कीजिए। उसके बाद हम नहीं तो मैं भी उल्टा सीधा बोल सकता हूं। हमारा बच्चा होने वाला है। अब तो हम शादी कर सकते हैं ना? मैंने कहा था ना कि मत बोलो। अरे यार, अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे। तेरा भाई बहुत ही गुस्से में है। इस बार तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप अपनी बात से। I love you। राधिका, देखो इसे, बेकार में ऐसे क्यों मार खाते हो? तो प्यार व्यार का चक्कर चाहिए क्या तुम्हें? इस लड़की को कैसे संभालोगे तुम? पिछले हफ्ते ही हॉस्पिटल जाने के लिए बाइक में पेट्रोल नहीं था तो मुझसे उधार लेकर गया था पैसे। अपने साथ साथ इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो तुम? अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल हो क्या? जिंदगी भर मैं छोटा बच्चा नहीं रहूंगा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, ये आप लोग जानते नहीं हो। ये अंधी है फिर भी मुझे अच्छे से जानती है, आपसे भी ज्यादा। यहाँ रखो। बहुत हो गया, चलिए अब चलते हैं। बच्चा पैदा होता ही हम आपको बता देंगे। बाय। इतने अरे छोड़ ना, जाने दे, चले गए। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन पूरी लाइफ क्या इस अंधी लड़की के साथ बिता पाओगे तुम पागल? वो तो ऐसी फ्लो में बोल दिया, लेकिन कुछ भी हो जाए पूरी लाइफ मैं इस अंधी के साथ ही बिताऊंगा। पगली। किसके जैसा दिख रहा है ये? मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा? बहुत सुंदर है, मेरे जैसा। सच सच बताओ ना, तुम्हारे जैसा है क्या? इसकी आंखें और इसकी नाक सब मेरे जैसा ही है। हूबहू मुझ पर गया है। इसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, और ये मेरे जैसा ही मस्ती करता है। ठीक है, तो अब जल्दी से तुम्हें सॉरी कह दो। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची कुछ बताए बिना ही मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया था, लेकिन अब तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस। राधिका श्रीनिवासन डॉक्टर गीता की पेशेंट है। अच्छा, राधिका वो तो अपने भाई के साथ चली गई। भाई के साथ? हाँ, भाई के साथ चली गई। तो तुम यहाँ कैसे? मैंने नहीं यहाँ बुलाया था, ये मेरी बैचमेट है, तुम्हारे केस के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ये क्या कह रही है? यहाँ से चलो, तुम्हें कुछ बताना है। राधिका की आंख की रोशनी बचपन में ही चली गई थी, क्या ये बात तुम जानते हो? जानता हूँ, 10 साल की उम्र तक वो देख सकती थी, लेकिन ये बातें अभी क्यों कर रही हो? क्योंकि और भी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। उसके प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं। क्या कहा? उसकी बेटी भी इसी कंडीशन के साथ जन्म लेगी। राधिका भले ही 10 साल की थी जब वो अंधी हुई थी, लेकिन उसके बच्चे 8 साल की उम्र के पहले ही अंधे हो जाएंगे। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज भी नहीं। बोलिए मैडम। राधिका की इस हालत में हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। Thank you.
इस बारे में वो जानती है? मैंने उसे सब बता दिया है। देखो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। हम उन्हें एक बड़ा अमाउंट देकर कंपेंसेशन कर लेंगे, इससे उनका नुकसान कवर हो जाएगा। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। इसमें सोचने की क्या बात है? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम उसकी और उस बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उस बच्ची को वो खुद संभाल लेगी। वो हमारा बच्चा है। क्या कहा? वो बच्चा हमारा है। अरे बोलो ना, राधिका, हमारे घर में आकर ये तो ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। क्या कर रही हो? हमारे बच्चे का फैसला हम करेंगे। वो हमारा ही खून है। मैंने कहा ना चुपचाप बाहर चला जा। कौन क्या बोलेगा, मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना चुपचाप यहाँ से बाहर चला जा। मेरी और मेरी बीवी के बीच में बीवी है तुम्हारी, है तुम्हारी शादी हुई है जो तुम उसे बीवी कह रहे हो? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो मेरी बीवी हुई ना। तू कौन है? राधिका, राधिका, शेखर तुम जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो फिर कभी मुझे जिंदा नहीं देखोगे। राधिका, जस्ट गो, चलो निकलो यहाँ से। राधिका, अरे चलो यहाँ से। राधिका, राधिका, मेरी बातों को गुस्सा थूक कर ध्यान से सुनो। अब मैंने तुम्हारी तरह ही दोनों आंखों पर पट्टी बांध ली है। तुम जिस तरह इस दुनिया को महसूस करती हो, मैं भी उसी तरह महसूस करने वाला हूं। इस तरह दुनिया को देखने पर बहुत अंधेरापन और अफसोस लगता है। शायद मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा सोच रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम और बच्चा अंधे हो, इस कारण से मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह पा रहा हूं, ऐसा लगता है ना। ऐसी आंखों की मुझे जरूरत नहीं है। मुझ पे भरोसा करो राधिका, मैं सच कह रहा हूं। दुनिया कुछ भी बोले, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बस इतना ही। हाँ, जरूरत है। तुम मुझे नहीं चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम भी, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी मुझे चाहिए। राधिका, एक बात बोलना मैं भूल गया, हम दोनों की तो एक ही लड़की पैदा होने वाली है। तुम अगर नहीं आओगी तो मैं जान दे दूंगा। जल्दी आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात सुन रही हो ना राधिका? मैं आऊंगी, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ले चलो। तुम्हें पता है मेरी आंखें चली गई हैं। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो वो सारे काम धाम छोड़कर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने लगे। हर वक्त मेरे साथ ही रहते थे वो। एक बार हम लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे थे,
मैं और मेरे पापा एक साथ एयरपोर्ट जाते समय हमारी गाड़ी खराब हो गई। कार खराब होने के बाद पापा उसे रिपेयर करने में लग गए और मैं चलते चलते वहाँ के पास ही एक बीच में पहुँच गई। वहाँ के समुद्र को देखते देखते बस वहीं बीच के पास बैठ गई। समुद्र की लहरें आकर मेरे पैरों को छू रही थी। अंदर से मैं कुछ घबरा सी रही थी, पर मेरे पापा मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे और तभी मुझे उनके गीले पैरों को देखकर समझ आया कि वो वहाँ मेरे पीछे काफ़ी देर से खड़े थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी करती रहूं, मेरे पापा ही मेरे सहारा हैं। तो चलो हम चलते हैं। कहाँ? उसी बीच पर। तुम लेकर जाओगे? क्यों, तुम्हारे पापा लेकर जा सकते हैं तो मैं भी बच्ची को ले जा सकता हूँ। हम भी बीच पर जाते हैं और वहाँ के पहाड़ों पर खुशी से दिन बिताएंगे। अच्छा होगा कोई और वहां पर आकर हमें परेशान ना करें। मेरी बच्ची को मेरे बिना लेकर जाओगे क्या? ले जाऊंगा। मेरे बिना वो रोएगी तो? हाँ, ओ, 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 ओ। तुमने एक बात नोटिस की, जब ये रोती है तो तुम्हारे जैसे हकलाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसा होगा तो तुम उसे पसंद नहीं करोगे क्या? और अगर इसे दिखाई नहीं देगा तो तुम इससे नफरत करोगे? अरे तब तो मैं इससे बहुत प्यार करूंगा। अरे पैकर्स और मूवर्स को बुलवा के करवा लेते ये सब यार, कहां फंसा दिया। अरे वो पैसे लेंगे लेकिन काम ठीक से नहीं करेंगे। हाँ, फोकट में करने के लिए तुझे हम ही मिलते हैं ना। चुपचाप काम कर। हाँ, वैसे झूठ बोलते हो तो बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहा है? संभाल कर ले जाओ, चीजें टूट जाएंगी। ये सब कैसे जानती है? अरे तो जानता नहीं है, वो सब कुछ जानती है। तू मनीषा के पीछे था वो जानती है क्या? क्या तू मनीषा के पीछे पड़ा हुआ था बता दूं मैं उसको? मैं वो भी जानती हूँ। अब तो कोई फायदा नहीं है। शेखर, अरे रास्ता छोड़ो। राधिका, मुंबई में जू बीच है, सामने से हटो। चेन्नई में मरीना, हट जाओ। और केरला में कोवलम, गोवा में कई सारे बीचेस हैं और तूने उनके बारे में मुझे तुमने बताया नहीं। बोलो राधिका। शेखर, हम हर बीच पर जाएंगे तुम्हारे साथ और अपनी बच्ची के साथ। Love you. राधिका के साथ कौन है? बेटी पैदा हुई है।
एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि कहीं तुम लोगों को छोड़कर तुम्हारे बिना ये और मैं कैसे रहेंगे? तुम हमेशा खुश रहो। मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पूरी लाइफ इस अंधी लड़की के साथ बिता पाओगे क्या तुम पागल? इस युग का गुस्सा और इस युग की चाहत, इस युग की प्रतियोगिता और इस युग का अकेलापन और इस युग का तूफान आ रहा है। इसका सामना करने की हिम्मत किसमें है? जमाने के साथ साथ गिरते हुए फूलों में से एक अजीब सा फूल है तू। प्यार भरी जिंदगी जीने के लिए तेरी किस्मत में
लिखा ही नहीं है। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? तो पकड़ो। Oh my God! Hey, are you okay? Oh my God! Uncle, जल्दी आइए। Justin, she's still breathing. हमें एक घंटे के अंदर से हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे मेरे हाथ पैर कांप रहे, मैं ठीक से गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। ठीक है तो मैं गाड़ी चला दूंगा। जल्दी आइए, उठाइए इसे। Justin, ये बात हारने को ना पता चले। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, देखिए इसे कुछ नहीं होने वाला, हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आप डॉक्टर कादर को फोन लगाइए। अरे अगले हफ्ते तेरी और हरणी की शादी है, इस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवाने के बाद हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे, समझ नहीं रहे हो तुम? आप कैसी बातें कर रहे हैं, डॉक्टर को फोन लगाइए ना प्लीज। हे सुनो, यहाँ कुछ भी हुआ ही नहीं और हमने किसी को नहीं देखा, और वैसे भी हमारी कोई गलती तो है नहीं। अगर ये आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गई तो हम इसे बचा पाएंगे अंकल। तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा है ना, तो इसे भगवान बचा ही लेंगे। हम इसे यहीं सड़क पर उतार कर यहाँ से चलते हैं। ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा, वो भी जिंदा है, देखिए सांसें चल रही है उसकी। बेटे मैं जो कह रहा हूँ उसे मान लो, हम चलते हैं यहाँ से। हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता? अगर ऐसा हार्डनी के साथ हुआ होता तो? तुम इस लड़की को बचाकर बहुत महान बनने वाले हो, कह रहा हूं ना, गाड़ी रोको, रोको, हे, रुको, जस्टिन। अंकल, पीछे देखिए, अंकल, लगता है इसकी जान चली गई। माफी दो,
और इसकी आत्मा को शांति दो। इस धरती से छुटकारा पाकर अब ये तुम्हारे पास आ रहा है, इसे जन्नत में जगह दो। तुम्हारे पिताजी नहीं आए, उनकी तबीयत खराब है। आमीन। आमीन। बहुत ही नेक इंसान थे। हम सबको छोड़कर चले गए। आंटी प्लीज। I'll take care. आंटी रोइए मत, अंदर आइए, यहां सब खाना खा रहे हैं। प्लीज आइए। मरने से पहले अंकल ने कहा था कि जस्टिन उनकी बेटी को अच्छी तरह से संभालेगा और यही उनकी आखिरी इच्छा थी। मेरी और जस्टिन की शादी के लिए डैड कभी नहीं मानेंगे, ऐसा सोच रही थी मैं। पर डैड तो डैड होते हैं, मेरी बात आज तक उन्होंने कभी नहीं टाली है। मुझे तो याद नहीं है, माँ नहीं है ऐसा उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। डैड और जस्टिन दोनों बिजनेस और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं होने देते। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, घर तक कभी नहीं लाते उसे। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पर्सनली ही रखो, यही डैडी ने सिखाया था। ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूँ कि इन लोगों ने मेरे पीछे बहुत कुछ किया है। सच कह रही हूँ ना? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सुनो, उसे फोन करके बोल दो कि मैं पहुंचने ही वाला हूँ। ओके सर। मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। सर वो लोग आ गए क्या? मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आया। अगर 5 मिनट में कोई नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा, समझ गया ना? वो लोग आ जाएंगे सर। हेलो सर, वो लोग आ जाएंगे सर। हेलो, उनकी बातों में आकर तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। नहीं सर, वो लोग आ जाएंगे। हाँ। पता नहीं क्या हो गया। वो फोन करे तो अटेंड मत करना। नहीं सर, लेकिन वो लोग अच्छा दाम देंगे। हाँ। ऐसा बोला था। बस करो, लगता है वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। जस्टिन, मैं आंटी के घर से निकल चुकी हूँ, कहाँ हो तुम? मुझे आने में 2 घंटे लग जाएंगे, तुम तैयार रहना। फादर अब्राहम ने चर्च में फंक्शन रखने के लिए 10 तारीख की डेट दी है, मेरे ख्याल से हमें जाकर उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। हाँ ठीक है। और डैडी के इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बची हैं अभी। और क्या फॉर्मेलिटीज हैं? सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ना, बाद में बात करता हूँ। जस्टिन, अच्छे से सांस लेते रहो। हेलो, हाँ मैं वहां एक पेशेंट लेके आ रहा हूं। जी हाँ, वो एक एक्सीडेंट केस है, मैं बस 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। जी, मेरा नाम है डॉक्टर त्रिलोक। कुछ नहीं होगा, कम ऑन।
ए, कुछ नहीं होगा, ब्रीज लेते रहो। अपनी आंखें मत बंद करना। नर्स, डॉक्टर को बुलाइए। इमीडिएटली इसे इमरजेंसी में एडमिट कीजिए। एक्सीडेंट केस है ना? ये 90% डैमेज हो चुका है, इसे एडमिट कीजिए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। सर, एक्सीडेंट केस है तो पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। तब तक इसकी जान चली जाएगी, उसके बाद ट्रीटमेंट का क्या फायदा? जल्दी कुछ कीजिए। सर, आपका नाम? त्रिलोक, त्रिलोक शेखर। ओके। जस्टिन, ज्यादा स्ट्रेन मत लो, एक हफ्ते तक और पेन रहेगा, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। वो किधर है? कौन? जिसने मुझे यहाँ एडमिट करवाया, वो ही। ओ, डॉक्टर त्रिलोक की बात कर रहे हो? वो तुम्हारा ऑपरेशन होने तक यहीं पर थे, कल रात भी आए थे, फिर से आऊंगा ऐसा कहकर गए हैं। बात करनी है उनसे? नहीं, मेरा मतलब क्या? हार्डी, मुझे यहाँ से जल्दी से ले जाओ, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करके घर ले जाओ। वो हमारा एड्रेस जानता है क्या? जस्टिन, क्या बात है? समझने की कोशिश करो, मैं उसे नहीं मिलना चाहता हूँ। जस्टिन, व्हाट्स रॉन्ग? मैडम, वो जानवरों के डॉक्टर त्रिलोक आए हैं, उन्हें बुलाऊं क्या? हाय, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसे दवाइयाँ दे रही हो ना? अभी अभी होश में आया है, काफ़ी परेशान दिख रहा है, शायद बॉडी में पेन है। चिंता की बात नहीं है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 2 महीने इसे कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। ही वॉज दिस क्लोज, एक आधा घंटा भी इधर उधर हो जाता तो हम जस्टिन को बचा नहीं पाते। सही वक्त पर भगवान ने आपको वहाँ भेज दिया था, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। कुछ दिन पहले मेरी बीवी कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, तब भगवान ने उसे बचाने के लिए किसी को नहीं भेजा, जस्टिन की तरह वो किस्मत वाली नहीं थी। इनकी देखभाल अच्छे से करना और कुछ हो तो मुझे याद करना। वैसे मैं तो यही हूं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बाद में फोन करता हूं। जस्टिन, क्यों रो रहे हो? जस्टिन, बात क्या है, बताओ ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सच कह रहा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हेलो, हारुणी बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। कहाँ हो तुम? यहाँ एक पेशेंट के साथ हूँ, खाना ना खाने के लिए जिद कर रहा है। हाँ? लेकिन अब ठीक है, बोलो ना। क्या आप जरा हॉस्पिटल तक आ सकते हैं? जस्टिन आपसे मिलना चाहता है। ओह, वैसे आज इवनिंग में आने वाला था, कोई बात नहीं, अभी आता हूँ, एक घंटे में आ जाऊंगा। थैंक यू। इट्स ओके। डोज चेंज किया है ना आज? हाँ सर। त्रिलोक आए हैं, आर यू श्योर अबाउट दिस? यस। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, समझ में नहीं आता कि उसे कैसे फेस करूं। तुम घर चली जाओ, मैं कॉल करूंगा। अरे वाह,
पहली बार आपको मैं उठते हुए देख रहा हूँ। हाय, अब कैसा लग रहा है जस्टिन? सर आपको कैसे थैंक्स कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे थैंक्स मुझे मत कहो, बल्कि तिरुपति जी से कहो। उनके दर्शन के लिए जा रहा था तभी आपको देख लिया और बचाने में कामयाब भी रहा। हरणी कहाँ गई? सर आपको एक बात बतानी थी। क्या? पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपकी वाइफ के बारे में। उसे कैसे जानते हो तुम? जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में मैं भी था। गाड़ी हारने के पिताजी चला रहे थे, हॉस्पिटल ले जाने की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी के अंदर उनकी जान चली गई थी। एक्सीडेंट के बाद 4 साल तक मैं चैन से सो नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दूं कि असल में क्या हुआ था। उसे बचाने की कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं पाए। मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैं अंदर से टूट गया था। अगर मैं माफी मांगू तो भी मैं माफी का हकदार नहीं। हाथ हिला सकते हो सर? हाथ हिला सकते हो या नहीं? पार्शियल पैरालिसिस, लगता है डोज कम है, मैंने ठीक से इंजेक्ट नहीं किया। कैसे गलतियां हो जाती हैं। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, पहले तुम्हारी बोलती बंद होगी, उसके बाद सांस रुक जाएगी और बिना ऑक्सीजन के हार्ट अटैक आ जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। तुम्हारे ससुर जी के खाने में भी मैंने 30 ml मिलाया था, फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ये सब लग रहा है। मेरी बातों को सुनने से पहले ही वो वहीं पर टपक गए। अच्छा होता मेरे बारे में जानकर मर जाते, वो तड़प तड़प कर मर रहे थे जो मैं खुशी से देख रहा था। तेरी ये मौत भी मैं लाइव देखना चाहता हूं। मैं और आयशा बेंगलुरु में रहते थे, जातिवाद की वजह से हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। शादी के बाद हमें दोनों के घर वालों को मनाने में पूरा 1 साल लग गया था और उसके बाद हनीमून। बहुत ही प्लान करने के बाद हम दोनों यहां आए थे। आयशा को हिल स्टेशंस पसंद नहीं थे, मैंने ही उसे यहां आने पे मजबूर किया। एक्सीडेंट के बाद मैं वापस गांव नहीं गया, यहीं पर छोटा सा क्लिनिक शुरू करके प्रैक्टिस शुरू की। तुम लोगों का पता लगाने के लिए बहुत तकलीफ उठाई। गाड़ी के बारे में जानने के लिए मैं एक्सपर्ट हो गया था। जब गाड़ी के ब्रेक जाम हुए थे तो जान बचने के 50-50 चांसेस थे। लेकिन जैसा मैंने प्लान बनाया था उसी तरह तू जिंदा बच गया। जहां मैंने आयशा को खोया वहीं पर तुझे पकड़ने का सुराग भी मिला और मैं सक्सेस हो गया। सिर्फ तेरी गाड़ी के टायर के निशान को रखकर तेरी गाड़ी का पता किया। तेरे जैसी गाड़ी कई लोगों ने रखी थी। हेलो, हेलो, हाँ नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते, नमस्ते, मेरा नाम आनंद है सर, एक जरूरी बात करनी है। मिस्टर चार्ल्स? यस स्पीकिंग। सर मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। टेल मी। एक एक को मैं चुन चुन कर ढूंढ रहा था,
कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। एक कार की डिटेल चाहिए सर। आप पूछिए क्या पूछना है। ओके सर, कुछ सवाल हैं उसका जवाब देंगे सर। हाँ, वो गाड़ी BMW थी। BMW 525D। ठीक है सर। ऐसी छानबीन करके वो गाड़ी फादर देव सगायन की है ये पता चलने तक 3 साल बीत गए थे। हाँ बोलो, थॉमस बोल रहा हूँ। तेरे ससुर की आवाज को जब मैंने सुना तब मुझे पता चला कि वो लोग तुम ही हो। वो पैसे तो दे रहा है ना, तो गाड़ी बेचने में तकलीफ क्या है? फोन रखो। मेरी कोशिश कामयाबी में बदल गई। 3 साल की मेहनत का फल मुझे मिल गया। इतने सालों में उस दिन उस आवाज को मैंने पहली बार सुना। मेरे आयशा के मरने की वजह वो आवाज ही थी। तुम दोनों की बातों को मैंने साफ साफ सुना था जब वो घुट घुट कर मर रही थी। हमें हमें एक घंटे के अंदर से हॉस्पिटल ले जाना होगा। जस्ट ये बात हार्डी को ना पता चले, इस लड़के को कुछ नहीं होगा, भगवान इसे बचा लेगा। हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आप डॉक्टर कंदर को फोन लगाइए। आयशा सुनो, यहाँ कुछ भी हुआ ही नहीं और हमने किसी को नहीं देखा। इस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवाने के बाद हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे, समझ नहीं रहे हो तुम? तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा है ना, तो इसे भगवान बचा ही लेंगे। हम इसे यहीं सड़क पर उतार कर यहाँ से चलते हैं। स्टॉप प्लीज। तेरी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद भी वो जिंदा थी। तेरे ससुर ने कहा था ना कि भगवान उसे बचा लेगा, तब भी वो जिंदा थी। तुमने जब कहा कि ये हरनी जैसी है, उस वक्त भी वो जिंदा थी। तुम लोग उसे रोड पर छोड़कर चले गए, लेकिन मेरे आने तक वो जिंदा थी। आयशा, 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 आयशा। उस दिन मैंने फैसला किया, चाहे मेरी पूरी जिंदगी चली जाए, तुम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुपो, मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। मेरी आयशा की जान जिस तरह पल पल निकल रही थी, उसी तरह तुम्हें भी तड़पना चाहता हूं। हर पाप की सजा मौत होती है। वैसे तूने मुझे पूरा सच बताया, सुनकर अच्छा लगा। रेस्ट इन पीस, यू आर अ गुड मैन, बट नॉट गुड इनफ। क्योंकि अगर तू अच्छा होता तो आयशा आज जिंदा होती। बाय जस्टिन। आयशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर मैं पूरी तरह टूट चुका था। उसकी शोल्डर की हड्डी टूट चुकी थी और तब मुझे बहुत दर्द हो रहा था और उस दर्द के बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता। शी वॉज प्रेग्नेंट। तूने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3-3 जाने ली हैं, तो उसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। हेलो, अरे कहाँ हो तुम? अरे ये जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। Then catch up. ओ, ये बात है। अच्छा, तुम्हें पकड़ने से पहले मैं दलेर मेहंदी का गाना सुना कर दिखाऊं? तुनक तुनक तुन, तुनक तुनक तुन, तुनक तुनक तुन, तारारा, तुनक तुनक तुन, तुनक तुनक तुन, तुनक तुनक तुन, तारारा। Shut up.
बदले की आग जोर से धधक रही है। मरने के बाद केवल अस्थियां ही बाकी रह जाती हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो मिट्टी में मिल जाती हैं। सजा देने वाला एक और पापी को बांटने वाला एक होता है। जब नसीब में गिरावट ही लिखी है तो तेरे नसीब में कहीं फना लेने की जगह ही नहीं है। इस आदमी के भरोसे मैंने तेरी शादी इससे करवाई, यही मेरी गलती है। बेकार में वक्त बर्बाद मत करो, बीवी को लेकर जाओ। शिवा चलो बैग लेके आओ, इसके बाद एक पल भी यहाँ नहीं रहना है। शिवा चलो मेरे साथ। शिवा अभी तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना होगा, तुम्हें इसका साथ कभी नहीं मिलेगा। इस जन्म में तुम इस बच्चे की छांव तक को नहीं देख पाओगी। हेलो। अरे क्या कर रहा है तू, कितनी देर से फोन लगा रहा हूं, चल जल्दी आ, जल्दी आ। शिवा सुनो, वहां देखो। चल 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 अरे वो मर गया, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो भी मरेगा, कंफर्म। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना भाई, देखा ना आजकल अपन एकदम सही से काम कर रहा है, कोई भी चूक नहीं, समझे। हे तूने कभी जंगली सुअर देखा है क्या? जंगली सुअर क्या बोल रहे हो? हमारा प्लान कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। है अगर तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ना तो तू भी जंगली सुअर दिखेगा। अबे बकवास बंद कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा। सच बोल रहा मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे जान से मत मारो। हाँ बस हाथ पैर तोड़ने से काम चल जाएगा, समझा ना। अच्छी बात है, ओके कुछ समझ में आया, अड्डे पर चलो। उससे मिलने का पूरा हक है मुझे, भले ही तुम्हारी तीन शादियां क्यों ना हुई हो, लेकिन पहला हक तो माँ का होता है। जज़्बा दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं। अरे कोई अच्छा गाना गाए, ठीक है अच्छा गाता हूँ मैं जिंदगी का साथ। हमेशा पुराने गाने गाता है, कोई नया गाना सुना ना। नया गाना सुनना अभी लो। चिल्ला मत,
देखा है पहली बार साजन की आंखों। जो गाने मुझे पसंद नहीं है वो मैं सुनना नहीं चाहता। अरे दीवानों गाते रहो गाते रहो। चार रोना धोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। हेलो हाँ बोलो। अरे दीवानों कब हुआ मुझे पहचानो। ठीक है मैं आता हूँ। ए शिवा चलो चलना। कितना खाता है, जहाँ बैठता है वही खाता रहता है। तेरे बाप के घर का खाता हूँ, हमेशा मेरे खाने के पीछे पड़ा रहता है। इस घर में कुत्ता है क्या? ये खाना उसे मत खिलाना वरना वो मर जाएगा। बहुत ही बकवास खाना था। स्माइल। सर खाना खाने जा रहे हैं क्या? हाँ नहीं अभी आ रहा हूँ। अच्छा जिसे आप लोगों ने मारा वो पावरफुल है, अभी हॉस्पिटल में है। सर फट गया उसका, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। FIR किया हुआ है, मैं संभाल लूँगा। बड़े घर का लड़का है तो क्या हमें अंदर कर देगा? खुश नसीब है जिंदा बच गया। ए तू बहुत जबान चला रहा है, हमारे भाई के बारे में जानता नहीं है तू। नहीं ये सब तू जानबूझ के कर रहा है क्या? यार हम इससे क्यों बहस कर रहे हैं, चलो ना उसको फोड़ देते हैं। तुम लोगों ने उसे मारा वो गलत नहीं था, किसी को पता चले बगैर अगर मारा होता ना तो अभी तक चैन की नींद सो रहे होते। तेरे भाई ने बहुत से लोगों का खून किया लेकिन आज तक वो मेरी वजह से पुलिस के हाथ नहीं लगा। मेरी तरह बनना वो भी जाता है लेकिन मेरी तरह बनने के लिए गट्स चाहिए। तेरा भी टाइम आएगा, जरूर आएगा, पर तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। सुन कल तू भी उन लोगों के साथ आ जाना। खाना खाएगा फिर ये पिएगा। लो आ गया बड़ा सरपंच, गांव में सबकी पंचायत करता है लेकिन खुद के घर में क्या हो रहा है उसे नहीं पता। लगता है अभी भी बहुत गुस्से में है, यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। तो ये अब तक जिंदा है? मुझे लगा कि किसी के हाथों ये मर गया। क्या इसे जरा भी फिक्र है कि इस घर में एक औरत भी है जो इसकी चिंता करती है? कभी सोचा है इसने? ए, चिल्ला मत। हमको क्या आलतू फालतू गुंडा समझा है क्या जो कोई भी आकर टपका के चला जाएगा? बहुत हुआ अब मुंह बंद करो, ज्यादा बोलोगे तो जबान खींच लूंगी मैं। जा यहाँ से, आइंदा मेरे दरवाजे पर कदम रखने की हिम्मत मत करना और अगर आए तो जिंदा नहीं जाओगे। जा यहाँ से, कहाँ ना जाओ। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बच्ची को? दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। वो मेरी बेटी है, मुझसे नफरत करते हो और मेरी बेटी से प्यार। अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, इस बच्ची की वजह से ही तो मेरे साथ रह रहा है ना। हाँ सारा प्यार खत्म हो गया, दरवाजा खोलो। अनजाने में मैं तुमसे प्यार कर बैठी, ये मेरी गलती थी लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा।
सुनो, तुम हम मुझसे प्यार नहीं करते ना, जवाब दो। कल से मैं तुम दोनों पर चिल्ला रही थी, लेकिन इसकी वजह पूछी तुमने? दोनों को इतना खराब खाना दे रही थी, कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता। छोड़ो, तुम्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। अरे ए, तुम भी अपने भैया जैसे हो गए ना, रात को घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं बुलाता हूँ, अभी फोन रख। अरे रखना। अरे रखना भाई, हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई। अरे इतना गुस्से से क्या देख रहा है, भाई ने बुलाया था, चल अब चल निकलते हैं। भाई हमारे हालात को भी तो समझिए। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, छोड़ो जाने दो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, एसीपी अभी स्पॉट पे आ रहे हैं, बॉडी को अब यहां नहीं रख सकते। hey, तुम ये पहले भी कह चुके हो। पापा, 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 चल, पापा, 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 चले जाओ। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, चले जाओ सब लोग, जाओ जाओ। शिवा, हे शिवा, मेहरबानी करके अपने भाई को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तेरे पापा से मार मार के लाश बना देंगे। तू उससे बोल कि वो यहाँ से चला जाए। पापा जाओ, पापा जाओ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। पहले मुझे तेरी माँ छोड़कर चली गई और बाद में तू भी इसे लेकर जा रहा है, अच्छा ही कर रहा है तू।
बहुत अच्छा कर रहा है। ले जा, इसे लेके जा, जा जा, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। चले जा सब लोग यहाँ से। सर, हमेशा की तरह वो यहाँ पीने आए थे। उनके बगल में एक आदमी बैठ के पी रहा था, फिर अचानक उसने बंदूक निकाली और उन्हें शूट कर दिया। सर, उस आदमी के बारे में जानते हो? उसका हुलिया याद है? समझा नहीं सर। ए, उसका चेहरा याद है क्या तुझे? नहीं सर, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, बराबर देख नहीं पाया। सर, अगर सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे तो पता। तू चुप कर। ए, क्या बोल रहा है ये? कुछ नहीं सर, वो अपेति। मेरे सवाल का जवाब दो। सर, अगर सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो पता चल जाएगा सर, पता चल जाएगा। इसकी फोटो अपने हर आदमियों तक पहुंचा दो। इसे टपकाने के बाद ही हम कोई दूसरा काम करेंगे। इसका नाम विष्णु है, मुंबई में ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है और इसी वजह से वो गोवा केरला ऐसी जगहों पे घूमते रहता है। ट्रांसपोर्ट का धंधा है इसलिए कई जगह घूमता रहता है। अभी वो यहाँ पर नहीं है, मुंबई चला गया होगा वापस। शिवा, अचानक तुम्हें अपने बाप पर इतना प्यार कहां से आ गया? बताओ शिवा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मत जाओ शिवा, मेरी खातिर मत जाओ। कम से कम हमारी बच्ची के बारे में एक बार तो सोचो। अच्छा शिवा, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो। शिवा, शिवा, मेरी बात गौर से सुनो। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें काम खत्म करना है और फिर यहां वापस आना है, समझ गए? ए, ए, इसे बुलाया है क्या? ए, चल। चलना, अभी तुम क्यों बाहर आए हो? जाओ, दोनों जाकर अंदर बैठ जाओ। तेरी चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। चल चल अंदर। Thank you.
विष्णु नाम से लगता है भगवान का आदमी है, उसका असली काम दुबई में है। अरे तू मेरे को धंधा सिखाएगा? मैं बताऊं तेरा मार्जिन क्या है? तेरे घर के अंदर घुस के पैसे कैसे वसूल करने मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये पूरी मेरे को मत बांध, समझा ना? नीलेश का 15 लाख आने वाला है भाई, तुम लोग जाओ, आज काम नहीं होने वाला है। रूलिंग पार्टी से लेकर ऑपोजिशन तक सबका खर्चा बांटा हुआ है उसके साथ। ए ये कोई छोटी मुर्गी नहीं है। ए इधर आ। लगता है इसकी सटक गई है। किसी और की मुसीबत अपने सिर पर क्यों ले रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला मत बन। विष्णु का ओरिजिनल बिजनेस दुबई में चल रहा है। क्या चल रहा है तेरा? लेकिन गेम बजाना इतना आसान नहीं है। अरे ये सब बातें हमें क्यों सुना रहा है, ये तो हम भी जानते हैं ना। भाई ने आपके लिए मटन बिरयानी भेजा है। ये लोग यहाँ के कुछ भी बोलेंगे और तू अपने धंधे का वाट लगा लेगा? एड़ा हो गया है क्या? ये छोकरा लोग मुझे नहीं चाहिए घर पे। तेरे को कितनी बार बोला मेरे धंधे में तू अपनी खोपड़ी मत घुसा। तू अपना संभाल, मुझे मेरा देखने दे, समझी? तुम लोग उसका गेम बजा सकते हो या नहीं? पूछ रहे हैं हमसे, हो पाएगा या नहीं? हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। वो कल दुबई के लिए निकल रहा है, उसके आने के बाद ही कुछ होगा। अभी वो दुबई जा रहा है, आते ही उसका गेम बजा डालेंगे। क्या? वो आने तक हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, उसका आज ही गेम बजाना होगा। अपने पास इतना ज्यादा समय नहीं है। भाई ये कह रहा है कि कल लास्ट डे उसका पूजा पाठ का, मारना है तो यही अच्छा चांस है। अरे ये क्या बोल रहा है? कल ही खत्म करते हैं। आवाज मत कर, जब तक ना बोले अंदर ही रहना, अगर कुछ गड़बड़ किया ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा। चले जितना बोला है उतना ही कर, ज्यादा दिमाग चलाएगा तो ठोक दूंगा।
अरे वो ऊपर गया है। बोला था मत कर मत कर, धंधे की वाट लग जाएगी, बोला था। आराम से। कौन सा रूम खाली है? वो वाला। ये रूम खाली है? आओ भाई। अब जिंदगी भर भागते रहो या छुपते रहो, दो दिन में सब सही हो जाएगा भाभी। चुप। अब इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अंदर लेके जा इसको। चलो भाई आ जाओ। आज कोई भी रूम भाड़े पर नहीं देने का, किसी का भी फोन नहीं उठाने का। ठीक है। वो छोकरा लोग और डॉक्टर किधर है? हाँ, अब आप लेट जाओ भाई। उधर इधर? जी मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। हाँ भाई, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? भाई सुनो ना, बता शिवा कहाँ है? बोल ना, कहाँ है शिवा? उसका मोबाइल स्विच ऑफ। भाई अपना शिवा अब नहीं रहा। ए, ये तू क्या कह रहा है डॉक्टर साहब? हाँ। शिवा हमें छोड़ के चला गया भाई। जी, क्या शिवा को मारते हुए तूने देखा क्या? हाँ भाई, हमें छोड़ के चला गया शिवा, मेरा दोस्त चला गया भाई, मैं अकेला हो गया भाई। मैं कल ही आता हूँ, तब तक तुम अपने अपने भाई शंकर को संभालना, समझा क्या? समझ गया? ए? भाई। क्या हुआ? ए, सुन। तू रो क्यों रही है? मैं कल जाता हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हा? मैंने पहले ही कहा था कि मत जाओ। कितनी बार रोका उसे पर वो माना ही नहीं। कविता चल जल्दी चल।
चल। साहब फोन है। साहब फोन। हाँ बोलो। तेरह साल हो चुके हैं मुझे चैन की नींद सोए हुए। मुझे हर पल हमेशा मेरे बहन की रोने की आवाज ही सुनाई देती है। उसने मेरे सामने ही कसम खाई थी। कैसी कसम पता है? तुझसे और तेरे बच्चों से वो कभी नहीं मिलेगी। और उसने अपनी कसम पूरी भी की। लेकिन तुझसे शादी करवाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं भुगत रहा हूँ। आज के इस दिन का बहुत इंतजार किया है मैंने। कहते हैं अगर सच्चे दिल से चाहो तो ब्रह्मांड उसे पूरा करता है। और आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुझे अपने हाथों से सजा दूंगा। माँ, माँ, विष्णु, विष्णु, ऊपर की तरफ चलो जल्दी। सिद्धू, सिद्धू चले जाओ यहाँ से। जाओ सिद्धू, सिद्धू जाओ, जाओ।
इस धरती पर ही हमने जन्म लिया है और इसी पर हम जीते हैं और निशानियों को छोड़कर चले जाते हैं। और मैं सूरज की दिशा को देखकर घोड़े को दौड़ाता जा रहा हूं। डरावनी अंधेरी रातों में मैं तुमसे तुम्हारे आंसुओं से बात कर रहा हूं। हर दिन की तरह ये दिन भी निकल जाएगा। ये तो जिंदगी का काल चक्र है जो हमेशा यूं ही चलता रहेगा। ब्रिगेडियर रामप्रसाद हैज कमांड यू रिपोर्ट बैक होम सर इज इट ऑफिशियल और पर्सनल सर आई डिडंट चेक दैट नेक्स्ट टाइम प्लीज चेक इट सर मैं नहीं चाहता कि ट्रेनिंग में कोई बाधा आए hey, तेरे बाप ने तुझे बुलाया है क्या ओके सर बाद में मिलते हैं मुझे पापा ने किस लिए बुलाया होगा ठीक है बाकी सब तुम देख लेना ओके सर आई विल टेक लीव Have a good day, young man. यहाँ क्यों आए हो किस लिए आए हो सब जानता हूँ आप तो मेरे बारे में जानते ही हो ना तो यहाँ के क्यों सब बताते हो चलो जाओ क्या हो गया You both look absolutely fine. और ऐसी क्या परेशानी है इमरजेंसी छुट्टी क्यों लेने के लिए बोल रहे हो और इस तरह बीच में बुलाने का मतलब इससे मेरा रिकॉर्ड खराब हो सकता है वो हाँ, कौन इसलिए यहाँ क्यों आया था तुझे पता है क्या उन्होंने यहाँ आकर क्या कहा होगा तुझे अच्छे से पता होगा मैंने सुना कि तूने कल उस बामा के घर पर जाके उसके पिताजी को धमकी दी उस लड़की से कोई भी शादी करने आएगा तो तू उसे जाकर रोकेगा उस लड़के का मुंह तोड़ देगा क्या शर्म नहीं आती गुंडे की तरह बर्ताव करते हुए तू एक ब्रिगेडियर का बेटा है भूल गया क्या अगर इस तरह करता रहेगा तो बड़ा ऑफिसर कैसे बनेगा और आप आपको कुछ नहीं कहना है इसे मां मैं एक बात बोलूं क्या है मुझे नाश्ता करो बहुत भूख लगी है मुझे और मैं जो कह रही हूँ उस सब का क्या भूख लगी है पता है सब लोग क्या कहते हैं तुम्हारा बेटा यूनिफॉर्म की आड़ में एक गुंडा है इतने बड़े हो गए हो तुम ये सब करते अच्छा लगता है अकल है या नहीं सुनिए जी अब मैं आपके बेटे को और नहीं संभाल सकती अब आप और आपका बेटा समझ लो कि बस बहुत हो गया और तू आगे से किसी से भी तेरे बारे में कोई कंप्लेंट आई तो तुझे जान से मार दूंगी बैठो मत तुम्हारे बदन में पूरा कीचड़ लगा हुआ है अभी अभी सब साफ किया है प्रकाश जी अब आपकी बारी है चलिए शुरू हो जाइए hey, लेकिन तेरी माँ कुछ बातें तो सही बोल रही है तू हर चीज को मजाक में क्यों लेता है तू वहां जाता है तुझे वहां मिलता क्या है बता आप मुझसे चाहते क्या हैं ब्रिगेडियर सुंदर राजम अगर उसने तुम पर चार्जशीट दाखिल कर दी ना तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा जरा जरा प्रैक्टिकली सोच कर तो देखो सोच कर देखा मैंने उसके बिना मेरी जिंदगी कैसी लगेगी मैंने सोचकर देखा तो आगे मुझे पूरा भयानक अंधेरा दिखाई दिया आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते बताइए मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूं जो ऐसी हरकत करूंगा कुछ भी करने से पहले मैं अपने माँ बाप की भावनाओं को समझूंगा सुनिए आपकी बीवी चली गई मैं तुम्हारे साथ दोस्त की तरह बिहेव करता हूं लेकिन इस मामले में एक बाप की हैसियत से पूछ रहा हूं इस बेकार के लफड़े को छोड़ो और मेरी बात मानो
क्या बोलते हो? ठीक है, छोड़ देता हूं। देखिए, कुंडली के अनुसार तो इन दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं। संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। जितना जल्दी हो सके शादी का मुहूर्त निकलवा ही लीजिए। ऐसी बात है तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सके हम ये शादी कर देंगे। जैसा मैंने पहले कहा था, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। आप एक बार बामा से पूछ ले तो। बामा? 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 श्रीकांत, यही नाम है ना तुम्हारा? श्रीकांत। I think you're amazing. जरा हटिए तो अंकल। So, श्रीकांत। श्रीकांत। Doesn't matter. हमारी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एक अच्छी लाइफ पार्टनर बनके दिखाऊंगी। तुम्हारी फैमिली so lovely. आंटी भी काफी अच्छी दिखती हैं। And our kids, I'm sure they'll be amazing. I mean, just look at us. Actually, just look at me. लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? देयर इज द प्रॉब्लम। वन सेकेंड। हाँ, अब तो आ गया ना। कैच इट। मैं रामप्रसाद जी का बेटा रुद्र रामचंद, ऑल्सो बामा का बॉयफ्रेंड हूँ। जरा उठिए, उठिए। तो क्या मतलब? बामा मेरी होने वाली बीवी है। अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो मुझे मारना होगा। अबे खड़े होने को बोला तुझे? रुद्र, स्टॉप इट। क्या हो रहा है ये? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कब बोला था कि मैं जरूर आऊंगा? और मैं आपका ही काम कर रहा हूँ सर। और जरा सोच कर देखिए, कल कोई बामा को परेशान करेगा तो क्या ये उसकी रक्षा कर पाएगा? ओए, आई कैन टेक केयर ऑफ मायसेल्फ। अरे बामा, ये बात तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अपने दामाद जी, नाम क्या बताया? श्रीशंत, श्रीकांत। श्रीकांत तुझे अच्छे से रखेगा या नहीं ये जानना जरूर। क्या है सर ये? आपने हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? आप हमें इस तरह से बदनाम क्यों कर रहे हैं? थोड़ी सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? रुद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या सर, 5 सेकंड में बेहोश हो गया। सर अगली बार ऐसी गलती मत करना। मतलब कोई स्ट्रांग लड़का लेकर आइए मेरी तरह। बामा, मैं आ गई। ये। डोंट वरी आंटी, 2 बजे से पहले ड्रॉप कर दूंगा। कल सुबह 8 बजे। पहले इसे मिलिट्री एकेडमी से बाहर होना होगा, फिर इस पर चार्जशीट दाखिल होगा। इसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसे जेल की हवा खिलाऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर। सर, मैंने और मेरी पत्नी ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की। ये सब उसके फ्यूचर और रिकॉर्ड को खराब कर देंगे। हमने उसे बहुत समझाया। अब ये कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो इसे मार मार कर समझाए। एंड वी ऑल नो रुद्र इज ए मेरिटोरियस कैरेक्टर। लेकिन इस मामले में इफ यू स्टिल थिंक एक्सपल्शन is all that is left. Go ahead. ये स्कूल में पढ़ने वाला लड़का नहीं है, बहुत बदतमीज है। इसे तो बांध कर मारना पड़ेगा। जुबान पर लगाम दीजिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारी गलती मेरे बेटे की ही है। अपनी बेटी पर कंट्रोल नहीं है आपको? मेरे बेटे के ऊपर चार्जशीट लगा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप जरा न्याय धर्म की बात मत करिए तो बेहतर होगा। एक ब्रिगेडियर के घर में घुसकर धमकी देना कितना बड़ा जुर्म है पता है? मैं कुछ सोच कर चुप बैठा हूँ। अगर आप लोग अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मुझे करना आता है। आप मुझे कंट्रोल में लाएंगे सर तो मैं घर जमाई बन के आपके घर पे आऊं? चुप कर, तेरी जुबान ही तेरी दुश्मन है। तुम शांत रहो। रुद्र, तुम जरा अंदर जाओ। मैं क्यों अंदर जाऊं? ए, तुम कहां जा रही हो? चलो यहां बैठो। See what I'm dealing with. I want him expelled immediately. Let's not make it official. I'll give him a warning. ऐसे वार्निंग का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, पर एक बात सुन लीजिए, यह लड़का अब उसकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए।
लेट्स होप सो। सोच रहा हूँ कि सिविलियन बनकर जीऊं। सिविलियन? वो क्यों? मेरा ये आर्मी ऑफिसर बनना तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है। वो आर्मी ऑफिसर को पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। In any case, I'm not going to marry a civilian. अगर मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर या बनिया की दुकान पर काम करने वाला होता तो वो हमारी शादी करेंगे? तुम चाहे धोबी हो या ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या बार ओनर, तुम चाहे जो भी करोगे मैं तुम्हें ही पसंद करूंगी। I'll still love you. तुम्हारे पापा कह रहे थे तुम कहीं बाहर जा रही हो, हॉलिडे? बताओ। I got through Deakin University. Deakin? ऑस्ट्रेलिया? And you're going? रुद्रा सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था मुझे एडमिशन मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि मिल गया है तो पापा कह रहे हैं I must go. तुम क्या सोचती हो? I'm thinking it's a good idea too. देखो कुछ दिन हम दोनों अलग रहेंगे तो अच्छा होगा। मैं पढ़ाई खत्म कर लूंगी, तुम ट्रेनिंग खत्म कर लेना, then we'll do what we have to do. आजकल कितने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? You know, these days with FaceTime and Skype and all, it'll be like we are right next to each other. Rudra, मुझे तुम्हारा ही फेस देखना है। तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाते ही किसी अंग्रेज से तुम्हें प्यार हो गया तो तब मेरा क्या होगा? अंग्रेज से प्यार? चुप रहो। मुझ जैसी इतनी क्यूट और खूबसूरत लड़की को पटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें नहीं रोक सकती। मैंने उसी दिन कहा था तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे पटाना मुश्किल है क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मैं तुम्हारी अमानत हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी अमानत हूं, सिर्फ तुम्हारी। मुझ पर भरोसा करो। यही सुना था उसकी जुबान से मैंने। उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला। मिला ही नहीं? What do you mean? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने माना ही नहीं। अगले हफ्ते वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया। फिर थोड़े पैसे इकट्ठा करके मैं उसे मिलने ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसे क्या मिला? पर मिली कि नहीं मिली? मिली थी, लेकिन जानते हो उसने क्या किया? अपने घर में जाकर दरवाजा बंद किया। ना उसने दरवाजा खोला और ना ही मुझसे बात की। अरे लड़की तो पत्थर दिल निकली। मैं जानता हूं कि वो मेरी मामा नहीं है। अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है, इसलिए 4 सालों से मैं अपने दिल को समझा रहा हूं। अब मेरे लिए बामा कुछ नहीं है। लेकिन कल ये लेटर आया था। उसके छोटे भाई ने मुझे जलाने के लिए इसे भेजा है। ये तो शादी का इनविटेशन है। पुलिस वाले से शादी कर रही है, ये क्या बकवास कर रहा है यार? उसकी शादी से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो पुलिस वाले से शादी कर रही है, ये मुझे तकलीफ है। मैं कुछ समझा नहीं सर। वो क्यों एक पुलिस वाले से शादी करने के लिए राजी हो गई? आई डोंट नो सर। तुम्हें बिना कुछ बोले तुम्हें छोड़कर जाने की वजह क्या थी? आई डोंट नो। तुम्हें छोड़कर जाने की वजह जाना नहीं चाहोगे तुम? मैं उसे कब का भुला चुका हूं, दोबारा उस बात को क्यों दोहराना? शायद प्यार ऐसा ही होता है। और फिर हम फिर से मिल जाएंगे। What you still love me? Let's go. कहाँ सर?
If we leave now, in 4 to 5 hours, we'll be there. Lunch के पहले वहाँ आ जाना। हम कहाँ जाने वाले हैं? भले ही तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि बात क्या है। लेफ्टिनेंट, हमारी यूनिट में सब लोग ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, कभी हार नहीं मानते। Now let's go get some answers. Target spotted. She's here now. Rudra, जाओ और उसे जानकर ही आना। Good luck. Hi. Hi. Would you guys excuse us for a few minutes? Should we leave? Yeah. मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं यहां तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूं। 2 मिनट्स? बहुत खूबसूरत लग रही हो, इससे पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। शुद्रा, तुम यहां से चले जाओ प्लीज। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? प्लीज गो। जवाब दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। मामा, आती हूं। आई हैव टू गो। क्या अभी मुझसे प्यार करती हो? कल तुम दूसरे की बीवी बन जाओगी, उसके बाद मैं ये नहीं कह सकता। <स्थ
चलो उठो, ये मेरी अमानत है, सिर्फ मेरी। रुद्रा, अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो पहले मुझे मारना होगा। रुद्रा प्लीज सीन क्रिएट मत करो। एक बार बोलने पर सुनाई नहीं देता, चलो उठो। पुलिस वाले की शादी है ना, इसलिए चारों तरफ कुत्ते घेरे हुए हैं। हिम्मत करो, मुझसे लड़ना। रुद्रा, फिर बात करते हैं। Stop it, get out. I'm sorry. It's okay, अंकल, it's okay, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट हूं, नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियन। रुद्रा, वेल डन दामाद जी, आपने तो कमाल कर दिया। हम लोग यहां तुम्हें कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए नहीं आए। आई हैव सीन यू फाइट बिफोर, यू आर बेटर देन दिस। कम ऑन, टेक योर ट्रैश एंड लीव। Yes! Come on, come on! मार इसे, मार रुद्रा! कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था, आज मुझे इसका जवाब मिलना ही चाहिए। आज तुम इसे शादी करने वाली हो ना, बेशक कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो जाकर अपने पिताजी से पूछो। आज मेरी जो ये हालत है ना, दैट्स बिकॉज ऑफ योर फादर। ये तुम क्या कह रही हो? जो कहना है साफ साफ बोलो। तो जाकर उन्हीं से पूछो, उन्होंने ही मुझसे कहा था टू स्टे अवे फ्रॉम यू।
एकेडमी से तुम्हें कब का डिसमिस कर दिया गया होता पता है तुम्हें? मेरे पापा ने तो सारी तैयारियां कर रखी थी, अगर तुम आर्मी ऑफिसर नहीं बनते तो तुम बर्बाद हो जाते और इन सब की वजह तुम्हारे पिताजी होते। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते मामा, इज माय बेस्ट फ्रेंड। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी उन्होंने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे तुमसे बात करने के लिए भी मना किया था। अगर उन्होंने मना किया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? आखिरकार क्या कर सकती थी मैं? टेल मी, तुम्हें पता है मुझे उस वक्त कितनी तकलीफ हुई थी? पूरी तरह से टूट चुकी थी मैं। एंड यू कम हियर ऑन माय वेडिंग डे एंड रुइन एवरीथिंग फॉर मी। यू हैव रुइन्ड एवरीथिंग फॉर मी। चले जाओ यहां से, लीव। अंदर आओ। हेलो डेजी। हाय आंटी, थोड़ा सा लो। नहीं नहीं आंटी, थैंक्स। यू वांट टू हैव सम? ओए, तूने चिकन लिया? कैन यू पास दिस प्लीज? व्हाट आर यू? चिकन फॉर यू। चावल तो दे, ले ले चिकन। क्या हुआ, शर्मा रहा है क्या? चुप कर, ये ले। जरा दाल पास करना रुद्रा, दो मुझे। मुझे बताए बिना उन्होंने ये सब क्यों किया? तुम कर सकती हो, पर पापा, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये राज किसी को भी नहीं बताया बेटा। जब तुम 2 साल के थे तब तुम्हारे पापा और मैंने अलग होने का फैसला किया था, पर हम दोनों हो नहीं पाए। इसकी वजह तुम हो, तुम हो कारण कि हम दोनों मिलकर जी रहे हैं। ये बात मुझे तुम्हें नहीं बतानी थी लेकिन आज बतानी पड़ रही है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो गए। हमारे अलग होने का कारण था तुम्हारे पापा का एक औरत के साथ नाजायज संबंध। पापा ने? लेकिन उसका इस बात से क्या संबंध है? संबंध है, वो औरत मामा की मां थी। व्हाट? लेकिन वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिका था, बीच में ही टूट गया। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद हमें कहीं से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर बामा? मैं नहीं जानती और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की बेटा। हम लोगों ने सोचा तुम्हारे और बामा के बीच जो रिश्ता है वो टीनेज इन्फैटुएशन हो सकता है, कुछ दिनों के बाद बदल जाएगा। लेकिन तुम लोगों का ये रिश्ता हद से आगे बढ़ गया, तब हमें कुछ डर महसूस होने लगा। इससे पहले कि ये बात हद से निकल जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तुम्हारे पापा मामा के पास गए थे। पिताजी ने उसे कुछ कहा था क्या? कुछ नहीं कहा, पापा ने उसे कुछ नहीं कहा। मामा इसके बारे में जानते हैं? आई होप नॉट। हम जानते हैं, शायद उसकी माँ भी जानती होगी, लेकिन उसके पापा को रुद्रा, रुद्रा, ये बात हम तुम्हें पहले बता देना चाहते थे बेटा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
यहाँ देखो, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती हमारी है। तो प्लीज रुद्रा, वी रियली सॉरी, सॉरी रुद्रा, सॉरी सॉरी। क्यों पिताजी? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपको और कोई नहीं मिला क्या? यही तुमसे मैं पूछूं तो? Take me there, I know this journey end. Away.